पश्चिम बंगाल में एक शख्स तब हक्का बक्का रह गया जब चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई उसकी वोटर आईडी में उसकी जगह एक कुत्ते की तस्वीर छाप दी गई। उत्तरी बंगाल के रहने वाले सुनील कर्माकर को मंगलवार को अपनी ठीक की गई वोटर आईडी मिली। आईडी में सारी जानकारी तो सही थी, लेकिन उसकी तस्वीर की जगह एक कुत्ते की तस्वीर लगी हुई थी। सुनील ने बताया है कि मैंने अपनी वोटर आईडी में सुधार के लिए भेजा था, लेकिन जब सही आई कार्ड आया तो फोटो ही गलत कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी जगह कुत्ते की तस्वीर भूल से लगी हो या जानबूझकर, लेकिन इससे मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। लोगों ने मेरा कार्ड देखकर सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। मैं चुनाव आयोग को कोर्ट में घसीटूंगा। कार्ड को ठीक करने वाले चुनाव अधिकारी ने कहा है कि ये गलती पहले देख ली गई थी, लेकिन पता नहीं बिना ठीक किए कैसे रह गई। उन्होंने कहा कि मैंने छपने से पहले ही कार्ड की सॉफ्ट कॉपी में कुत्ते की फोटो देख ली थी और उनके घर जाकर उनकी फोटो लेकर आया था, लेकिन पता नहीं फिर भी कुत्ते की फोटो कैसे रह गई। उन्होंने कहा कि ये गलती बंगाल के लोगों में नागरिकता को लेकर डर के चलते हुई है। पिछले कुछ महीनों में 22 विधानसभा क्षेत्रों में नए वोटरों समेत 8,00,000 लोगों ने वोटर आईडी के लिए आवेदन किया। जिला प्रशासन ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं ताकि वोटर आईडी बनाने में कोई गलती ना हो। कर्माकर को अप्रैल में नई वोटर आईडी दी जाएगी। हालांकि इस गड़बड़ी को लेकर वोटर आईडी बनाने वाले कर्मचारियों से कारण मांगा जा रहा है। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब लोग सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही पूरे कागजात दिखाने के लिए वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे कागज बनवा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना सामने आना कहीं ना कहीं सिस्टम के फेलियर को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।